उज्जैन शहर में टाटा कंपनी के द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन में भारी लापरवाही नजर आ रही है। जो चेंबर है कई जगह से रोड से ऊंचे हैं, जिसकी वजह से शहर के वकील की मौत हो गई है। उज्जैन शहर के टाटा कंपनी के द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, जहां इस काम में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। टाटा कंपनी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, तो कहीं रोड को अधूरा छोड़ दिया गया है, तो कहीं रोड की साइड का काम बंद कर दिया गया है, वहीं चेंबर के ढक्कन तक नहीं लगाए हैं, उन्हें ढका नहीं गया है, तो कहीं मुख्य रोड पर चेंबर ऊंचे नीचे लगे हुए हैं, कहीं रोड पर डामर किया है तो कहीं उखड़ा हुआ है। पूरे शहर की सड़कों की हालत इस समय बेहद खराब है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।